सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दलों को निर्देश देता है कि वो अपनी वेबसाइट पर आपराधिक विरोधी उम्मीदवारों के चयन के कारणों को अपलोड करे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वेबसाइट पर चयन करके जो भी मामले हैं उसे अपलोड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं। उम्मीदवारों का आपराधिक जो भी ब्यौरा है वो वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपराधिक छवि के उम्मीदवारों के चयन का कारण बताए, ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट का कहना है। वेबसाइट पर चयन के कारणों को अपलोड करने के लिए भी कहा गया है, उम्मीदवारों का आपराधिक ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक दलों को यह निर्देश जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा निर्देश जारी किया है, जहां पर वेबसाइट पर चयन के कारणों का जो भी वजह है उसे अपलोड करना पड़ेगा। वेबसाइट पर ये पूरा जो डेटा है उसे अपलोड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक दलों को ये दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया, और इस खबर में ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अमित दुबे हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। अमित, उम्मीदवारों का जो भी ब्यौरा है उसे वेबसाइट पर अपलोड करना होगा, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी चीज की कि जिस तरह से राजनीति में लगातार चाहे विधायक हो एमएलए हो, सबको क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद टिकट दिए जाते हैं, उसे लेके यहाँ पे सुनवाई हो रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो भी प्रत्याशी है उन्हें अपना पूरा क्राइम रिकॉर्ड जो है वो अपनी वेबसाइट पे डालना होगा। और दूसरी बड़ी चीज की चुनाव आयोग और अन्य पार्टियों से भी जवाब मांगा गया है कि आखिरकार इन प्रत्याशियों को, जो कि जिनके ऊपर तमाम धाराओं में मामले दर्ज होते हैं, ऐसे लोगों को टिकट क्यों। जी जी अमित, लेकिन ये कौन सी वेबसाइट होगी जिसमें जो भी उम्मीदवार होंगे वो अपना डेटा जो है वो अपलोड करेंगे, कुछ वेबसाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन है क्या? देखिए, चुनाव आयोग की वेबसाइट होती है, और खास तौर पे जब कोई भी प्रत्याशी नॉमिनेशन करता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो वेबसाइट पे डाउनलोड किया जाता है, वेबसाइट पे डाला जाता है, उसके बाद कोई भी शख्स उसे देख सकता है। और इसमें अब तक ऐसा प्रोसीजर नहीं था, सिर्फ संपत्ति या अन्य जो ब्यौरा होते हैं उस टाइप की चीजें इसमें अपलोड की जाती थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिन प्रत्याशियों को, वो भी अपलोड किए जाए। जी अमित, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ कुछ और अन्य प्रकार के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं उम्मीदवारों के लिए? देखिए, उम्मीदवारों को सिर्फ ये जो अपना पूरा डेटा है वो सिर्फ अपलोड करना है, लेकिन चुनाव आयोग और अन्य पार्टियों से जरूर इस तरह का जवाब मांगा गया है कि आखिरकार जो प्रत्याशी क्रिमिनल रिकॉर्ड में होते हैं और उसके बावजूद उन्हें टिकट क्यों दिया जाता है, इसे लेके हालांकि कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद तमाम पार्टियां ऐसे प्रत्याशियों को टिकट देती हैं। और इसी को लेके चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया है कि क्या इनका आवेदन निरस्त किया जा सकता है या ऐसे लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट आगे देखेगा, लेकिन फिलहाल जो है चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया है, वो चुनाव आयोग को सबमिट करना है। यानी कि अमित, ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार से जो भी उम्मीदवार है जिनका पूरा डेटा वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वो फिर से अपना दोबारा नया डेटा बनाएंगे और वेबसाइट पे अपलोड करेंगे? देखिए, बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना डेटा लोड जरूर किया है, लेकिन अगर उनके ऊपर 10 केस है तो उसमें 2 ही केस जो है वो वेबसाइट पे दिखाए गए हैं, बाकी के 8 केस हैं वो नदारद हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की है तो अब पूरा ब्यौरा जो है, जिस तरह से संपत्ति का पूरा ब्यौरा प्रत्याशियों को देना होता है, ऐसे ही क्रिमिनल रिकॉर्ड का भी पूरा ब्यौरा वेबसाइट पे डालना होगा। जी अमित, तो इसकी कैसे पहचान होगी, कैसे मायनों में से परखा जाएगा कि जो भी उम्मीदवार है वो अपना जो पूरा डेटा है, क्राइम रिकॉर्ड का जो डेटा है, वो सही सही अपलोड कर रहे हैं? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है लोग संपत्ति भी छुपाते हैं, सही ब्यौरा नहीं देते, सही डेटा अपलोड नहीं करते। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि कैसे ये पता लगाया जाएगा कि जो भी अपलोड किया जा रहा है वेबसाइट पे वो सही है या नहीं, कौन इसे निर्धारित करेगा? देखिए, चुनाव आयोग और के पास इतनी पावर है कि अगर कोई गलत डेटा गलत जानकारी देता है तो वो चुनाव जीतने के बाद भी उसका चुनाव निरस्त किया जा सकता है, और इसके लिए बाकायदा न्यायपालिका भी मौजूद है। और कई बार इस तरह की चीजें हुई हैं जो कि किसी भी प्रत्याशी के नामांकन को पूरी तरह जो इफेक्ट करती है, उस पर न सिर्फ कोर्ट ने बल्कि चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है।
तो चूंकि आज पहले जवाब मांगा गया, अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में खासतौर पर चुनाव आयोग क्या कुछ जवाब देता है वो देखना होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आगे की और गाइड जब अगली सुनवाई होगी तो जाहिर तौर पर इसके लिए पूरी गाइडलाइंस होगी और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, उस गाइडलाइंस के साथ ही प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकेंगे, अपनी चीजें अपलोड कर सकेंगे। जी बिल्कुल अमित, देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग इस पे क्या कुछ कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम अपडेट के लिए।